जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। मैं आज आपको मेष राशि का राशिफल दिसंबर महीने का बताने जा रहा हूं। जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। दिसंबर का महीने में जो बड़ी बातें होने वाली हैं आपके साथ, वो विशेष बातें मैं आपको, महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा परीक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मेष राशि वाले अगर कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, उस इंटरव्यू में वो सफल होंगे। नौकरियों के अच्छे अवसर दिसंबर के महीने में दिख रहे हैं। और करियर संबंध में व्यापार रोजगार के लिए भी ये महीना आपके लिए बहुत उत्तम है। व्यापार में वृद्धि दिखती है इस दिसंबर के महीने में। लेकिन शत्रु भय आपको दिसंबर के महीने में रहेगा। कोई नज़दीक आपका आत्मप्रेमी व्यक्ति आपके दिल को चोट पहुंचाएगा, यानी कि आपको मानसिक तनाव देगा। और विवाह संबंध में, दाम्पत्य जीवन संबंध में यह महीना बहुत बढ़िया है आपके लिए। विवाह का योग, रिश्ते मिलने का योग मेष राशि वालों के दिसंबर महीने में बनता है। और मेष राशि वाले किसी बड़े उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं इस महीने में, विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं, परिवार के किसी विवाह में। और दाम्पत्य जीवन में मधुरता इस महीने रहेगी। लेकिन वाणी पे मेष राशि वाले इस महीने कंट्रोल रखें, क्योंकि सूर्य का भी अष्टम भाव में रहना और साथ में मंगल का भी अष्टम भाव में रहना, तो वाणी पर कंट्रोल रखें। और कहीं ना कहीं अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आने न दें। जब दो व्यक्ति बात करें या कहीं पर कोई बात कर रहे होंगे, बिना वजह बीच में टांग न अड़ाएं। कहीं ना कहीं इस महीने आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। संतान पक्ष के लिए मैं आपको बताऊं, संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा महीना दिसंबर का महीना। संतान सुखों की वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति का पंचम दृष्टि होने से आपकी संतान सुख प्राप्ति होता है। पुत्र संतान का योग आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ में भाग्य का साथ आपको प्रबल मिलता रहेगा दिसंबर के महीने में। स्वास्थ्य को लेकर के इस दिसंबर में महीने में आपको चिंता दिख रही है आपके लिए, स्वास्थ्य को लेकर, यानी रक्त विकार जैसे बीपी, शुगर, थायराइड इत्यादि की समस्याएं दिख रही हैं। साथ में जो विदेश जाने वाले हैं उनके लिए विदेश का योग तो बन रहा है, लेकिन विदेश में भी आप किसी से मतभेद की स्थिति पैदा न करें। वहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपकी कमी आ सकती है। बेवजह उलझे नहीं किसी के साथ, कोर्ट कचहरी के मामले मेष राशि वालों के दिसंबर के महीने में बन रहे हैं, इसलिए आपने वाद विवाद में कम से कम दिसंबर के महीने में फंसना है। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी बहुत परेशानी इस महीने में आपको दिखेगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंध में सुख की वृद्धि आपको दिख रही है दिसंबर के महीने में। कुटुंब परिवार में भी आनंद का माहौल होगा और बड़े भाई छोटे भाई से आपको लाभ मिलेगा, मित्रों से आपको लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप के काम आपके अच्छे चलेंगे। ऑल ओवर ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिसंबर का महीना रहने वाला है। उपाय ये कर लीजिए, आप दिसंबर के महीने में कहीं भी 11 आंख के पौधे यानी श्वेतार के पौधे लगाएं सूर्य की प्रसन्नता के लिए, और मंगल के लिए आप मंगल का दान करें, हनुमान जी की सेवा करें, और शनिवार और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की सेवा करें। साथ में आप सूर्य अर्घ्य नित्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ दिसंबर के महीने में करेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रही इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने जन्म पत्रिका विशेषण करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।